नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुमताज। शाम के 6 बज गए हैं और हिमाचल प्रदेश में आज क्या बड़ी खबर रही है उसको लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो हिमाचल पंजाब के बीच जो तनाव की स्थिति पैदा हुई है उस पर सबसे बड़ी खबर बताएंगे आपको। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होने से जो माहौल बिगड़ रहा है दो राज्यों के बीच और जो कुछ शरारती तत्व जानबूझकर वीडियो जो है वो वायरल कर रहे हैं उससे थोड़ा सा माहौल जो है वो खराब हो गया है। आपको बता दें, दोस्ताना माहौल है प्रदेश पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच, लेकिन अब जो विवाद टैक्सी चालकों पर जो है वो आ पहुंचा है। पूरी खबर बताते हैं। आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि एक जो टैक्सी चालक है उसका मर्डर हो गया है। हिमाचल दस्तक सबसे पहले खबर बता रहा है आपको, जो चालक जो शिमला से टैक्सी में जो है वो दो व्यक्तियों को लेकर गया था यहाँ से पंजाब के मनाली के लिए, उस चालक का मर्डर हो गया है। ये बड़ी खबर है अभी की। पूरा मामला बताते हैं कहाँ पर मर्डर हुआ है, जो हमारी बातचीत हुई है पुलिस के अधिकारी से, कैसे इसका मर्डर किया गया है, कब का ये मामला है। और अभी भी जो परिजन है हमारी, उनसे बातचीत हुई है परिजनों से, वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है ये खबरें जो है वो गलत हैं। उन्होंने ये कहा है कि अभी जो है वो शव नहीं मिला है व्यक्ति का। पुलिस से हमारी बातचीत हुई है। ये पूरा मामला 24 जून का है। उस दिन लुधियाना निवासी गुरमीत सिंह और जसपाल करण सिंह, शिमला से एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम हरिकृष्ण रनोट है, उसकी ऑल्टो कार नंबर HP01A5150 बुक करके जो है मनाली ले गए और 24 जून को गए यहां से 25 जून को मनाली से वापसी शिमला लौट रहे थे। और उस दिन 8:20 पर जो उसका बेटा है जिसकी अब हत्या हो गई है देशराज, उसने अपने पिता से मोबाइल पर जो है वो बातचीत की और पिता ने बताया कि वो बरमाणा पहुंच गए हैं और देर रात तक शिमला लौटेंगे। रात 11:15 तक जब पिता घर नहीं लौटे तो पिता ने जो है जो बेटा है उसने फोन किया, स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद दूसरे दिन जो हरिकृष्ण के बेटे हैं देशराज रनोट, उन्होंने शिमला के सदर थाना में जो है वो 0 FIR दर्ज कराई और इसके बाद यह FIR बिलासपुर के बरमाणा के लिए ट्रांसफर की गई, क्योंकि उनके पिता बरमाणा क्षेत्र से लापता हुए थे इसलिए ट्रांसफर की गई। और देशराज ने पुलिस को दी शिकायत में पंजाब लुधियाना के दो पर्यटक, इनका नाम है गुरमीत सिंह और जसपाल करण सिंह, इन्होंने ही मर्डर किया, बताएंगे इसके बाद आपको। इसने उस दिन जो है वो अपहरण की शिकायत जो है वो लिखा दी। जिस जगह फोन की आखिरी लोकेशन आई थी वहां पर 4 दिन से हरिकृष्ण के जो परिजन है और जो पुलिस है वो तलाश कर रही है, मगर अभी तक उस व्यक्ति का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया, डेड बॉडी नहीं मिली जो हमारी सूचना है। हालांकि जो उनकी गाड़ी है वो लुधियाना से ट्रेस कर दी गई थी और जो पुलिस के उच्च अधिकारी है उन्होंने, जो भी हमारे पर बातचीत हुई है, दोनों आरोपी को पकड़ लिया है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि कहां पर मर्डर किया है और इनको अभी कुछ देर बाद जो है बिलासपुर लाया जाएगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब के दोनों थे आरोपी, इनको पकड़ लिया गया है और ये जो है वो पंजाब से सीधा यूपी भाग गए थे जब इन्होंने मर्डर कर दिया था। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, डिटेन कर दिया है और इनसे पूछताछ के बाद जल्द ही लापता जो चालक हरिकृष्ण है इनका भी पता लग जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है चालक की डेड बॉडी से रिलेटेड, ये खबरें जो है वो झूठी है, डेड बॉडी नहीं मिली है और बिलासपुर पुलिस ने इसका जो है वो खंडन भी कर दिया है, खबरों का खंडन कर दिया है, हमारी भी बातचीत हुई है। अभी तक जो लापता हरिकृष्ण है इसका सुराघात नहीं लग पाया है और पुलिस के अनुसार जो हमारी अभी 5 मिनट पहले की खबर है और बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर हिमाचल दस्तक के पास है, जो वो व्यक्ति है उसका मर्डर कर दिया गया है, गला घोंट कर हत्या हुई है, ये खबर आपको बता रहे हैं हम। और कहां पर मर्डर हुआ है, घागस के आसपास मर्डर किया इन दोनों ने जो पंजाब के रहने वाले हैं। पहले इन्होंने साथ में एक जो ढाबा था वहां पर चाय पी, उसके बाद जब इन्होंने देखा कि जो ड्राइवर है जिसकी हत्या कर दी गई है उसके पास पैसे हैं तो पैसे के लालच के चक्कर में इन्होंने हत्या की है। फिलहाल दोनों आरोपी जो है वो जो कह सकते हैं पुलिस के गिरफ्त कर लिए, डिटेन है, इनको वापस लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि इन्होंने डेड बॉडी फिर कहां रखी, कहां पर जो है वो फेंक दी। तो अभी इसका भी जो खुलासा है वो बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो आरोपी पकड़ लिए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो टैक्सी चालक है शिमला से टैक्सी बुक करवाते हैं दो पंजाब के है लुधियाना के, ये दोनों हमने आरोपी का नाम बता दिए आपको, यहां से इनको वो टैक्सी चालक ले जाता है मनाली तक, फिर मनाली से दूसरे दिन वापसी लाता है और बीच में मर्डर हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। और मर्डर के बाद अब देखिए डेड बॉडी तो नहीं मिली है, बता नहीं रहे हैं, अब इनसे जो है पूछताछ करेगी पुलिस, रिमांड भी मिलेगी इनको कोर्ट से और बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा डेड
डेड बॉडी का पता लग जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिली डेड बॉडी जो हमारी सूचना है, जो पुलिस के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है 5 मिनट पहले ही। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है और यहाँ पर पर्यटक आते हैं, बुक करवाते हैं गाड़ी को पहले, फिर मर्डर कर देते हैं। अपने आप में सोचने वाली बात है, बहुत चिंता वाली बात है। अब फिलहाल जो आरोपी है वो डिटेन कर दिए गए हैं, इनको देर शाम तक जो है बिलासपुर लाया जाएगा। अब बता देंगे इसके बाद जब पुलिस इनसे बुलवाना शुरू करेगी कहां पर डेड बॉडी है, लेकिन इन्होंने गला घोंट कर हत्या की है। अब बात करते हैं दूसरी खबर के लेकर के। सीएम सुक्खू ने पत्नी कमलेश के लिए आज प्रचार किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज देहरा विधानसभा क्षेत्र में बार एसोसिएशन देहरा के कार्यक्रम में भाग लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के लिए जो है वो प्रचार किया। और सीएम ने कहा है कि पहले देहरा में नारा लगता था देहरा कोई नहीं तेरा, लेकिन अब देहरा अब हो चुका हमारा, ये जो है वो सीएम ने कहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार देहरा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और राज्य सरकार यहां पर 650 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। यह जू कांगड़ा जिला के मानचित्र पर नए पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा, जिसमें पर्यटक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ सफारी का जो अनुभव है वो प्राप्त कर सकेंगे, ये सीएम ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में बनने का ये उद्देश्य यही है कि जो पर्यटन व्यवसाय है उसके पंख लगे, ताकि कुछ दिनों तक जो पर्यटक है यहां पर रुके और जो यहां के पर्यटन क्षेत्र है वहां का आनंद लें। सीएम सुक्खू ने कहा कि देहरा पुलिस अधीक्षक एसपी ऑफिस कार्यालय और जो SCPWD का जो कार्यालय है ये भी बहुत जल्दी खोला जाएगा, इसे कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार कई और जो सरकारी कार्यालय है वो देहरा में खोलने पर विचार कर रही है, जिसकी चुनावी घोषणा जिसकी जो घोषणा है चुनाव के बाद की जाएगी। आने वाले समय में देहरा के विकास का जो मॉडल है वो सभी वर्गों के साथ साथ जो है वो पूरे प्रदेश के लिए चर्चा का विषय बनेगा। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो निर्माण कार्य है वो भी शुरू हो चुका है, जबकि पिछली सरकार में उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो नहीं हो पा रहे थे। तो सीएम आज देहरा में थे, पत्नी के लिए जो है प्रचार किया और बड़ी बातें कही है कि कुछ चीजें बोल नहीं सकते हैं यहां पर, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन देहरा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अलावा सीएम की जो सबसे बड़ी खबर है, आज सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है, बताते हैं आपको। सीएम सुक्खू का आज बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जो पोंग विस्थापित है उनके लिए अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार कानून बदल देगी, बड़ी खबर है ये। और उन्होंने ये कहा है कि आचार संहिता के कारण अभी जो है वो कुछ वो बोल नहीं सकते हैं, घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर वो बदलेंगे कानून। होशियार सिंह जो वहां पर प्रत्याशी है भाजपा के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए जो है विधायकी बेची है और सीएम ने कहा है हमारी सरकार किसी का घर खाली नहीं करवाती है, बल्कि घर बनाने के लिए 3 गुना जो राशि है वो देती है। उन्होंने ये भी कहा कि आचार संहिता के कारण किसी की कोई घोषणा जो है वो अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन विस्थापितों की हर संभव मदद की जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पोंग विस्थापितों वाला मुद्दा है। और सीएम ने आज बड़ा बात कही है कि अभी मैं ऐलान तो नहीं कर सकता हूं आचार संहिता के चक्कर में, लेकिन उन्होंने ये जो है वो कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो कानून बदल देंगे प्रदेश में जो विस्थापितों को लेकर कानून होता है। इसके अलावा एक और खबर है, भाजपा के बड़े नेता और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जो है वो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि किसानों की जो जमीन है वो कांग्रेस हड़प रही है, कब्जा कर रही है उस पर। विस्तार में खबर बताते हैं, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर किसानों की भूमि अवैध रूप से कब्जाने का आरोप लगाया है। आज ऊना जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की भूमि पर प्रदेश सरकार कुंडली मारकर बैठी है। उन्होंने कहा है अगर सरकार किसानों को उनका हक नहीं देती है तो बीजेपी जन आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने कहा है कि एक तरफ किसानों की भूमि पर प्रदेश सरकार कुंडली मारकर बैठी है, वहीं दूसरी तरफ जो वन माफिया है वो किसानों की भूमि में लगे हुए लाखों रुपए के जो खैर के पेड़ हैं जो अवैध रूप से वहां पर काट रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। न तो सरकार इस पर इस भूमि का जो है मालिकाना हक किसानों को दे रही है और न ही इस भूमि में किसानों की जो संपदा है उसको बचा पा रही है सरकार, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा ऊना हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में जो है वो करीब 32,000 हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो किसानों की होने के बावजूद किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि वर्ष 1999 में तत्कालीन सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने इस भूमि का जो मालिकाना हक है वो किसानों को प्रदान किया था, ताकि कृषि योग्य जो भूमि है उसके साथ साथ जंगल की इस भूमि पर होने वाली संपदा का जो लाभ है वो किसानों को मिल सके। लेकिन वर्तमान समय में सरकार के कब्जे में चल रही
किसानों की इस भूमि पर खैर के बड़े बड़े जो पेड़ हैं और जो अन्य वन संपदा है इसको वन माफिया द्वारा जो है वो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। न तो प्रदेश की सरकार किसानों की उसकी किसानों की जो भूमि है उसको दे रही है उनको, और जो वन संपदा है उसको जो माफिया है वन माफिया वो उसको जो है वो वहां पर बेच रहे हैं उन चीजों को, जिसके चलते नुकसान केवल किसानों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाकर सरकार ने बात नहीं सुनी तो आगामी समय में जो है वो प्रदर्शन भी किया जाएगा, मोर्चा खोला जाएगा, तो ये इन्होंने आरोप लगाया है। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो बेरोजगार युवाओं को लेकर के है। हिमाचल में अब प्रदेश सरकार जो है वो रेगुलर भर्तियां करेगी, सो आगे बढ़ रही है। 10,000 से अधिक पदों पर अनुबंध छोड़ रेगुलर जो नियुक्तियां हैं वो की जाएगी, और कोर्ट के फैसले के बाद वित्त विभाग की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर हैं। और अब यह भी खबर निकल कर आ रही है कि राज्य सरकार जो है वो अनुबंध कार्य जो काल है उसको खत्म कर सकती है, उसकी वजह बताते हैं क्यों खत्म कर सकती है। फिलहाल भर्तियों में जो देरी है उसकी यही वजह बताई जा रही है। अब देखिए कोर्ट से बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जिसमें यह कहा गया है कोर्ट के फैसलों में कि चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड हो जो भी वित्तीय लाभ मिलने हैं वो पहले दिन से ही इनको मिलने चाहिए, और कोर्ट के जो फैसले आए हुए हैं उससे ये भी है कि अब चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है जब सारे लाभ उनको पहले से ही मिलने हैं तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड क्यों रखा जाए। तो अभी फिलहाल सरकार ये देख रही है कि जब कोर्ट से फैसले आ रहे हैं बाद में फिर वो एरियर बन जाएगा उसके चक्कर में जो है पहले से ही जो है वो एक प्रॉपर जो भर्तियां होती है अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो 2 साल का है, और अब सरकार सोच रही है कि क्यों ना भर्तियां जो है वो रेगुलर की जाए। तो इस ओर आगे बढ़ेगी सरकार क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है जितने भी फैसले कोर्ट से आ रहे हैं वो ये फैसले आ रहे हैं कोर्ट से कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है उनको चाहे वो ओपीएस हो या फिर जो अन्य वित्तीय लाभ हो उसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है, जितनी भर्तियां प्रदेश में आगामी समय होगी वो रेगुलर भर्तियां होगी, इस ओर सरकार आगे बढ़ रही है। अगर रेगुलर भर्तियां होती है तो सरकार पर इससे जो है वो चपत लगेगी, यानी जो बजट है क्योंकि 2 साल तक जो है वो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहता है, सैलरी कम होती है, जब रेगुलर होते हैं तो सैलरी बढ़ती है, तो ये भी एक चीज है जी। इसके अलावा एक और खबर है, टीजीटी जेबीटी को आचार संहिता के बाद जो है वो नियुक्तियां मिलेगी। अब देखिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लगभग 2200 के करीब ये हैं, तो ये मान के चलिए कि 13 तारीख के बाद कभी भी इनके जो नियुक्ति को लेकर जो कह सकते हैं आदेश हैं वो आएंगे। फिलहाल आचार संहिता के फेर में फंसे हैं, हिमाचल दस्तक ने इस पर पहले से आपको अपडेट दी है। और जो जेओआईटी 817 है इनका जो रिजल्ट है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह आएगा, ये मान के चलिए 15 जुलाई से पहले आएगा जो संभावनाएं अभी तक की है। तो जो जेबीटी है जो जेबीटी और जो टीजीटी है जितनी बैचलर्स भर्तियों का प्रोसेस से ही आचार संहिता के बाद ही हो पाएगा, तो ये एक और अपडेट हमारे पास थी। इसके अलावा बात करें इनकम टैक्स की रेट की, आज की बड़ी खबर है हमीरपुर में इनकम टैक्स और ईडी की जॉइंट रेट बढ़ी है। हमीरपुर शहर में आज सुबह इनकम टैक्स और ईडी की जो है वो संयुक्त रेट बढ़ी है जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हमीरपुर के एक बड़े ज्वेलरी व्यापारी और जो 2 शराब ठेकेदार हैं उनके अलग अलग जो प्रतिष्ठान हैं और उनका जो आवास है सुबह 5:30 बजे रेट पड़ी जब वो सोए हुए थे। इनकम टैक्स और ईडी के अलावा इनकी दुकान और जो दुकान के आवास के बाहर जो है उस दुकान और उनके जो आवास है सीआरपीएफ के जो जवान है वो पहरा दे रहे हैं, और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई की से जो है व्यापारियों में अब हड़कंप मच गया है कि इनको पड़ गई है रेट हमारे को भी पड़ सकती है। खासकर हमीरपुर शहर में व्यापारी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और हमीरपुर में सुबह 5:30 बजे के आसपास जो ज्वेलरी की दुकान थी उसके शटर खोले गए, और तब तक जो है वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो ईडी है उनके जो कुछ एक ऑफिसर हैं वो घर भी गए, घर पर जो है वो दस्तावेज खंगाले गए। दोनों जांच एजेंसी के अधिकारी और जो कर्मचारी है वो दुकानों के आसपास के अलावा जो घर पर है वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट छान रही है, और जो बीएसएफ के जवान हैं वो पहरा दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है, ईडी की जो रेडें हैं वो प्रदेश में पड़ना शुरू हो गई है, और खबर ये भी है कि ऊना में भी एक जगह पर रेड पड़ी है लेकिन इसकी अभी जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। वहाँ पर भी एक बता रहे हैं कि जो शराब के एक व्यापारी कह सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है उनके यहाँ रेट पड़ी है लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ईडी और जो इनकम टैक्स संयुक्त रेट पड़ी है, सीआरपीएफ के जवान साथ में हैं, अब ये गफला कितने का है ये तो आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन रेट पड़ी है, डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं, जो बड़ी जो सामियां होती है उन पर ये रेट पड़ी है। इसके अलावा बात करें श्रीखंड महादेव यात्रा की, तो अभी तक 2000 लोगों ने आवेदन कर दिया है। देश की कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर के जो है वो जो यात्री है काफी उत्साहित दिख रहे हैं, और यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले ही 2000 से अधिक जो लोग हैं उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिया है। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की ओर से यात्रियों की जो सुरक्षा है उसको देखते हुए जो पंजीकरण है वो करवाया जा रहा है पोर्टल पर। आपको बता दें जो यात्रा है ये 14 जुलाई से शुरू
होगी 27 जुलाई तक चलेगी और इस यात्रा के लिए जो है वो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट बता देते हैं, अगर किसी भी जिला से आप कर सकते हैं, shrikhandmahadevyatra.hp.gov.in ये वेबसाइट है पोर्टल की, यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो इस यात्रा में भाग ले सकते हैं जब ये शुरू होगी, उससे पहले अपने रिस्क पर बिल्कुल भी ना जाएं। और आपको बता दिया है जी पोर्टल का हमने, तो यात्रा में जाने वाले जितने भी यात्री है उनको पोर्टल पर जो है वो एक सप्ताह पहले खोला गया था, जिसके चलते अब तक जो है 2000 यात्रियों ने इसमें आवेदन कर दिया है। और जो यात्री है वो अभी 15 दिन और बचे हुए हैं, तो ऐसे में और भी जो है वो आवेदन आप आगामी समय में कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा बात करें अन्य खबर को लेकर के, अब आपको एक और खबर बताते हैं। देखिए इस बार प्रशासन और जो पुलिस, एक हमने बताना भूल दिया है कि कुछ लोग जो है अपने उस पर जाते हैं रिस्क पर, तो वो ना जाएं बिल्कुल भी। पुलिस ने इस बार जो है वो कड़ी कार्रवाई कर सकती है पुलिस। कुल्लू में एक दो बहुत दुखद खबर है। कुल्लू में एक जो गाड़ी है वो आज खाई में गिरी है। पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों को रोहतांग पास घुमाने ले जा रही थी ये गाड़ी, अचानक ये खाई में जा गिरी, जिसमें ड्राइवर समेत 9 पर्यटक सवार थे। हादसे में सभी जो पर्यटक हैं वो घायल हो गए हैं और गाड़ी मनाली रोहतांग पास मार्ग पर रहाला के पास जो है वो ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गाड़ी नंबर HP02255C का जो ड्राइवर है दिले राम, अपनी गाड़ी में पंजाब से मनाली घूमने आए 9 पर्यटक को लेकर रोहतांग जा रहा था। जैसे ही गाड़ी जो है वो रहाला फॉल के पास पहुंची तो ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी जो है वो खाई में जा गिरी, जिस कारण गाड़ी में बैठे सभी लोग जो लोग हैं वो चोटिल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जो वहां पर स्थानीय अस्पताल वहां ले जाया गया है और वाहन भारी क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में जो घायल हुए हैं शफीम जिनके नाम है, मोहम्मद दिलशाह, मोहम्मद सद्दाम, बाबर अली, निशा समैया, अब्दुल समैद, जुनेल हिना, ये इसमें जो है वो घायल हुए हैं और सभी जो पर्यटक है ये पंजाब के संगरूर के रहने वाले थे, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो दुखद खबर है जी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, सोलन मर्डर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सोलन शहर के वार्ड नंबर 13 क्लीन में हुए महिला के मर्डर मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही जो हत्या की गुत्थी है उसको सुलझा दिया है। महिला नहीं, सोचिए आप, महिला नहीं, कॉल करके आरोपी को घर बुलाया था, जहां दोनों में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई और बाद में उस आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था, जो पुलिस ने आज, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिला गुमला झारखंड निवासी है, जिसका नाम जीतू है। और आज पत्रकार वार्ता के दौरान ASP जो सोलन है राजकुमार चंदेल, इन्होंने बताया कि महिला कल दिन में, पिछले कल की बात कर रहे हैं, वो 1 से 1.5 बजे के आसपास घर में अकेली थी। उसने आरोपी जीतू को कॉल करके घर पर बुलाया, क्योंकि वह पहले से ही एक दूसरे को जो है वो जानते थे और जो महिला का पति है वो भी उसको जानता था। और ये आरोपी महिला के घर कमरे से जो है वो 250 मीटर दूरी पर ही रहता है, जहां दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसने बाद में जो है वो महिला को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सोलन की सड़कों में जो है वो फेरी का काम करता है, ये जो है वो बेफिक्र घूम रहा था और ये वहाँ पर काम करता है सोलन में ही। बीते शुक्रवार को यह हादसा का मामला सामने, ये मामला सामने आया था। और जब महिला के बच्चे स्कूल से करीब 3:30 बजे घर पहुँचे और घर पर उन्होंने देखा कि उनकी जो माँ है उसकी संदिग्ध हालात में जो है वो पड़ी हुई थी, खून से लथपथ गिरी हुई थी, जिसकी सूचना उन्होंने जो है मकान मालिक को दी। उसके बाद पुलिस को इसके बारे में बताया गया और पुलिस जो है वो, जो महिला है इसका नाम, ये झारखंड की रहने वाली थी और वहीं हत्या का जो आरोपी है भी झारखंड का ही बताया जा रहा, पड़ोसी था इसका, पास में रहता था। और अब जो है वो इस मामले में पुलिस आगे जांच कर रही है। तो आरोपी नहीं, जो है वो पड़ोसी की हत्या कर दी है, बड़ा मामला है। और अब पुलिस ने पकड़ लिया है आरोपी और अब जो धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज हो गया है और पुलिस के गिरफ्त में है। एक और खबर है, गाय से भरा जो है वो ट्रक पकड़ा गया है और मनाली के मडी में स्थानीय लोगों ने एक गाय से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है आज, जिसे मंडी जिला का एक व्यक्ति चला रहा था और स्थानीय लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। ट्रक में रोहतांग पास होते हुए गायों को जो है वो लेह की तरफ ले जाया जा रहा था, उसकी योजना थी। और क्षेत्र का जो एक मोहम्मद रफी है व्यक्ति का नाम, ये जठेर विवाद का रहने वाला है, इसने जो है वो मामला दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि आजकल उनका जो अस्थायी डेरा है वो सागु नाला में है, जहां वो पशु चराने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 20 जून को रात समय करीब 1:30 बजे जब ये अपनी गाय भैंसों को देखने डेरे से बाहर निकला था, तो सड़क के किनारे जो है वो एक ट्रक खड़ा था और टॉर्च की लाइटें जली हुई थी। कुछ लोग गायों को जो है वो रस्सियों से बांधकर ट्रक में चढ़ा रहे थे, जिसकी सूचना उसने, इसकी स्थानीय
लोगों को दी, पिछले कल की घटना है 29 तारीख की घटना है, जिसके चलते 6 व्यक्ति जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। जब वो जब 6 व्यक्ति इकट्ठे हो गए हैं, जब वो ट्रक के पास गए तो वहाँ पर ट्रक नंबर HP650881 चालक ने जो है वो ट्रक को भरा, उसमें गाय भरी हुई थी। इस दौरान उन्होंने ऑटो से ट्रक का पीछा किया और ट्रक को रोका। हालांकि ट्रक के चालक ने जो है मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है। और बताया जा रहा है कि कुछ और व्यक्ति भी इस मौके से फरार हो गए हैं। मनाली पुलिस ने 1 व्यक्ति के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर दिया है और छानबीन जारी है। इसके अलावा एक और खबर है, आज दुखद खबर है, ऊना के अंब में 25 वर्षीय सेना का जो जवान है वो आज सवा नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। अंब के तहत हम्बोली गांव में स्थित सवा नदी में नहाते हुए इसकी मौत हुई है। 25 वर्षीय भरत सिंह इसका नाम है, सेना में सेवाएं दे रहा था। 1 सप्ताह पहले ही छुट्टी पर यह घर आया था और अचानक ये जो है वो आज सवा नदी में गया तैरने, लेकिन उसी दौरान डूब गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के बाद जो है वो परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके अलावा एक खबर और है, ऊना से ही खबर है, गोविंद सागर झील के लठियाणी घाट पर बड़सर के एक व्यक्ति की आज डूबने से मौत हो गई। डूबने वाला जो व्यक्ति है बड़सर में ही सब्जी की दुकान चलाता था, आज झील के घाट पर मछलियों को गोली डालने आया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने से ये जो है वो उसमें डूब गया झील में और इसकी मौत हो गई है। शव को बाहर निकाल कर जो परिजन उनको सौंप दिया गया है। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार बड़सर के रूप में हुई है, इसकी जो उम्र है वो 60 वर्ष थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बरसात से निपटने के लिए फील्ड में जो है वो कर्मचारी को उतार दिया गया है और 13,000 जो PWD कर्मी हैं इनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बरसात से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 13,000 जो कर्मचारी है उनको फील्ड पर तैनात कर दिया है, 13,000 कर्मचारियों को। और सरकार ने लोक निर्माण विभाग के जो मंडल हैं, उपमंडल स्तर पर जो मलबा हटाने वाली जो मशीनें हैं और सड़कों को जो यातायात बहाल करने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, 500 पोकलेन डोजर रोबोट और JCB लगा दी गई है। जरूरत पड़ने पर केवल उन कर्मचारियों को छुट्टियां मिलेगी जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी शादी है या कोई बीमार हो गया है, बहुत जरूरी जाना तभी छुट्टियां मिलेगी, ऐसे छुट्टियां नहीं मिलेगी। और इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में जो है वो कंट्रोल रूम भी जो है स्थापित किया गया है और जो जहां पर भी मार्ग अवरुद्ध होगा उसकी जो जानकारी है वो लोक निर्माण विभाग के जो मुख्य कार्यालय वहां पर दी जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीते साल की आपदा से सबक लेते हुए विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। सड़क मार्ग अवरुद्ध होने को लेकर प्रतिदिन जो है वो रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर और अधिक जो श्रम शक्ति है, जो मशीनरी है, उसकी तुरंत जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करवाने के जो निर्देश है वो दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जुलाई महीने में सेब सीजन शुरू होगा, ऐसे में सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि सीजन के दौरान कोई भी जो सड़क है वो बंद न रहे। इसके अलावा बीते साल आपदा के दौरान जिन सड़कों को भारी नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह हिमाचल की सड़कों का लगातार जो है निरीक्षण करते रहें, यानी जो अधिकारी है जहां पर सड़कें अधिक जो है वो खराब है उन सड़कों को देखा जाए, उसका जो फीडबैक वो लेते रहें। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में जो मौसम है वो खराब रहने वाला है। 3 दिन हैवी टू हैवी रेनफॉल का अलर्ट आ गया है, बड़ी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ये ऐसे जिले हैं यहाँ पर कुछ जगहों पर भारी वर्षा होगी। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, यहाँ के लिए भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये मान के चलिए कल और परसों 2 दिन भारी से भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है और प्रदेश में 5 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। तो लोगों से हमारी अपील है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, लैंडस्लाइड होने का खतरा है। तो प्रदेश में जैसे ऊना है, बद्दी है, नालागढ़ है, वहां पर जो है वो बारिश नहीं हुई है, टेम्परेचर अधिक है, तो वहां पर भी कल से मौसम जो है वो खराब होने का पूर्वानुमान है और अधिकांश जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर कल से मौसम खराब रहने वाला। तो मौसम को लेकर जो अपडेट हमारे पास था, मौसम कल से जो प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं वहां पर खराब रहेगा। हमने बता दिया कौन से जिलों में अधिक वर्षा होगी, तो ये मान के चलिए कल से जो 12 जिले हैं प्रदेश में वहां पर मौसम खराब रहेगा। ऊना जहां पर वर्षा कम हुई है अभी तक वहां पर भी वर्षा होने का पूर्वानुमान है कल से, नालागढ़ बद्दी में भी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। तो बाकी जो महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। और दुखद खबर एक है, जो टैक्सी चालक जिसको लेकर के जो है वो खबरें ये चल रही थी कि ये जो है वो अपहरण किया गया है, लापता है, तो दुखद खबर ये है कि इसका मर्डर हो गया है और गला घोंट कर इसकी हत्या की गई है। और जो दोनों आरोपी है पंजाब के हैं, हमने बता दिया नाम आपका इनको, और जो हमारी पुलिस से कुछ देर पहले बातचीत हुई है, घागस के आसपास पहले इन्होंने जो है वो चाय पी ढाबे में, उसके बाद जब जो लालच पैसे के लालच में जो है वो दोनों व्यक्तियों ने इसकी हत्या कर दी टैक्सी चालक की। इसका अभी पता नहीं लग पाया कहां पर उन्होंने डेड बॉडी रखी है, पुलिस पूछताछ कर रही है। बहुत जल्दी जो डेड बॉडी है वो कहां
कहाँ पर है उसका पता भी लगा दिया जाएगा। बाकी जो TGT की भर्तियाँ, JBT की जो भर्तियाँ हैं, इसको लेकर के आपको आचार संहिता का खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। JO 817 रिजल्ट आना है तो 15 तारीख से पहले, 15 जुलाई से पहले रिजल्ट आएगा, डेडलाइन वही है। बाकी जो NTT की भर्तियाँ इन प्रोसेस होनी है, इसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा 10-15 दिनों का। जो अन्य पोस्ट कोड हैं, जो हमने बताए थे 20 पोस्ट कोड, उसका रिजल्ट चरणबद्ध तरीके से आएगा। आचार संहिता से पहले कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना है, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें तातरीन खबरों के लिए हिमाचल दस्तक TV के साथ।